नॉट तो so, कुछ बात बतानी है आप लोगों को जल्दी से शुरू करते हैं विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम बिल्कुल एम आई ऑडिबल एंड विजिबल गाइस हेलो एवरीबॉडी ओके सो हेलो स्टूडेंट्स आपने वैसे ये न्यूज़ सुन ही लिया होगा पर आई एम हेयर टू ब्रीफ यू अबाउट सर्टन थिंग्स ताकि आप ज़्यादा परेशान ना हों ज़्यादा इधर उधर लिंक्स आर्टिकल्स पढ़ के कन्फ्यूजन को बरकरार रख के आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इसीलिए एक छोटे से सेशन में आपको सभी चीज़ों को मैं समराइज़ करना चाहती हूँ द थिंग्स आर तो बात कुछ ऐसी है कि जो आज आप लोगों को पता है कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे बस आज रिज़ाइन कर दिया है ये काफ़ी हाईलाइट में है ये न्यूज़ सभी न्यूज़ चैनल्स कवर कर रहे हैं तो एक्चुअल में अब इन्होंने अभी बेसिकली ड्राफ्ट दिया है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी को ये रिज़ाइन करना चाहते हैं ठीक है तो ये ड्राफ्ट दिया है ऑफिशियली एक्सेप्ट होता है हो ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली तो रीज़न क्या है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन क्यों कर रहे हैं तो वाई इज़ ही रिज़ाइनिंग तो वो इसीलिए रिज़ाइन कर रहे हैं क्योंकि जब सेकेंड वेव आया था कोविड का जब सेकेंड वेव आया था कोविड का तो ही गॉट इन्फेक्टेड तो जो पोस्ट हेलो एवरीबॉडी ओके सो वी गॉट सम टेक्निकल इश्यूज ओवर हियर मैं पूरी बात फिर से रिपीट करती हूँ सो so, आज एक बहुत न्यूज़ है जो हाईलाइट हुई है दिस इज दिस न्यूज़ इज़ अबाउट दी रेजिग्नेशन बाय आर एजुकेशन मिनिस्टर द एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे है ना उनका आज रेजिग्नेशन की न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रही है तो अबाउट ऑल डैट कि ये नीट को कैसे अफेक्ट करेगा आई एम आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एवरी तो अपने अपने ग्रुप्स में बता दो कि मैम फिर से लाइव है आई गॉट सम टेक्निकल इशूज़ तो इसीलिए डिसकनेक्ट हो गया था तो अपने फ्रेंड्स को बता दो फिर से कि मैम इज़ लाइव ओके सो आई स्टार्ट फ्रॉम हियर पूरी बात बताते हैं जल्दी से आप लोगों को तो एक्चुअल में क्या हुआ कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है मिस्टर रमेश पोखरियाल जी इनके रेजिग्नेशन की न्यूज़ बहुत ज़्यादा अभी वाइड स्प्रेड हुई है एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट नीट ये नीट को कैसे अफेक्ट करेगी इस बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ तो एक्चुअल में अभी तो सबसे पहले इन्होंने ड्राफ्ट दिया है कि ये रिजाइन करना चाहते हैं है ना हमारे जो पी एम जी हैं नरेंद्र मोदी जी ने ड्राफ्ट दिया है ही इज गोइंग टू एक्सेप्ट दैट ड्राफ्ट एंड देन ही फाइनली रिजाइन तो क्वेश्चन आता है कि वाई इज़ ही रिजाइनिंग ये रिजाइन क्यों कर रहे हैं तो ही इज रिजाइनिंग बिकॉज जब सेकेंड वेव आया था कोविड का तो ही गॉट इन्फेक्टेड विथ कोविड तो ऑब्वियसली ठीक तो हो गए थे पर पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस थे ना ही वॉज नॉट वेल काफ़ी तबीयत खराब रहती थी उनकी तो उन्होंने हेल्थ इसका रीज़न दिया है कि उनकी हेल्थ सही नहीं रहती है तो ही माइट नॉट बी एबल टू वर्क वेरी एफिशेंटली इसीलिए हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल जी इन्होंने आज रेजिग्नेशन दे दिया अब क्या क्वेश्चन है बच्चों के अब बच्चों के क्वेश्चन ये हैं कि अब न्यू एजुकेशन मिनिस्टर कौन होंगे है ना सो so हम ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं कि नए एजुकेशन मिनिस्टर कौन होंगे कब होंगे इतना है कि आज शाम को छः से सात बजे के बीच में वी विल कम टू नो ये न्यू एजुकेशन मिनिस्टर हमारे कौन है तो जो भी अब न्यू एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे अलोंग विद दी एन दोनों मिलकर अब नीट की डेट देंगे तो अब नीट का डेट फाइनली नए एजुकेशन मिनिस्टर प्लस एन देने वाली है तो हम लोग काफी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नीट का डेट डेट तुरंत ही आने वाला है है ना सो वी वर एक्सपेक्टिंग दैट नीट डेट्स विल बी अनाउंस्ड सून हम क्यों ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि अभी कल ही की बात थी ना कल या परसों ही ऐसा हुआ था जब जे ई मेन्स का डेट अनाउंस हुआ कि दो डेट्स आई थी मेन्स की कि दो पार्ट में होगा एक जो पार्ट होगा ये आपका ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी फाइव जुलाई तक होगा एंड जो सेकेंड पार्ट रहेगा जे ई मेन्स का वो ट्वेंटी सेवन जुलाई से ऑलमोस्ट टू अगस्त तक रहेगा सम वॉट लाइक दिस ओनली उन्होंने जे ई मेन्स का अनाउंसमेंट दिया सेकेंड अनाउंसमेंट इसके पहले उन्होंने सी बी एस सी बोर्ड से रिलेटेड अनाउंसमेंट दिया था कि जो बच्चे सी बी एस सी बोर्ड्स हैं ट्वेल्थ वाले हैं ट्वेल्थ सी बी एस ई बोर्ड्स ये स्टूडेंट्स की जो एग्ज़ाम होगी दो फॉर्म में होगी दो पैटर्न में होगी फिफ्टी फिफ्टी करके दो बार एग्जामिनेशन लिया जाएगा एक एग्ज़ामिनेशन नवंबर में लिया जाएगा जिसका फिफ्टी परसेंट वेटेज होगा एक एग्ज़ामिनेशन अप्रैल में लिया जाएगा जिसका फिफ्टी परसेंट वेटेज होगा तो अभी पिछले एक वीक में इन्होंने ये दो मेजर अनाउंसमेंट करें अब बात आती है नीट की जो मेन मुद्दा है हमारा दैट इज़ नीट मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट नीट कि जो मिनिस्टर ने जो रिजाइन कर दिया है इससे नीट पर अफेक्ट क्या होगा यही आप लोगों का मेजर क्वेश्चन है बेटा वंस आई कंप्लीट दिस आई एम गोइंग टू रिपीट इन इंग्लिश ऑल्सो फॉर दोज हु केन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी आखिरी में मैं एक बार पूरा इंग्लिश में भी रिपीट करूंगी डो नॉट वरी अबाउट दैट तो अब नीट पे क्या इफेक्ट आता है दिस इज़ दी मेन क्वेश्चन तो आज हमारा डेट क्या हो गया है आज हमारा डेट हो गया है सेवेंथ ठीक है दिस इज़ दी सेवेंथ जुलाई ट्वेंटी वन ठीक है अभी आज एजुकेशन मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया अभी न्यू एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे वो प्लेज लेंगे वो प्लेस संभालेंगे देन एन से उनकी मीटिंग होगी देन नीट का डेट डिसाइड होगा तो so मिनिमम दस से पंद्रह दिन दिए जाएंगे फॉर दी फॉर्म आपको दस दिन लगेंगे सेंटर्स को अलॉट करने में तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट फर्स्ट अगस्त को नीट होगी ऐसी कुछ न्यूज आ रही थी डेट एन टी एंड मिनिस्टर्स एंड ऑल दी रिस्पॉन्सिबल पीपल दे आर प्लानिंग की नीट को जल्दी से एक अगस्त को ले ले क्योंकि अगर सेप्टेम्बर को थर्ड वेव आ जाती है तो उसके पहले बच्चों का एग्जाम हो जाए बिकॉज हेल्थ भी प्रायोरिटी है आप लोगों की है ना तो ये चीज़ देखी थी कि सभी ने आपका हेल्थ को ध्यान के कि एक अगस्त को करवा लेते हैं पर एक अगस्त को क्यों नहीं करवा सकते इसका रीज़न अब आप लोगों को पता है जेई मेंस जल्दी क्यों करवाई जेई मेंस इसीलिए जल्दी करवाई क्योंकि थर्ड वेव के पहले मेंस हो जानी चाहिए पर मेंस जल्दी इसलिए करवा पाए क्योंकि फॉर्म फिलिंग हो चुकी थी है ना जल्दी से जो नए बच्चे थे जिनको लेना था और फॉर्म देना था एग्ज़ाम में अपियर करना था उन्होंने दिया लेकिन नीट के केस में दिस थिंग इज़ नॉट पॉसिबल नीट के केस में ये नहीं पॉसिबल है कि आपको सिर्फ तीन दिन का फॉर्म भरने का समय दे दें फॉर एग्जाम्पल अभी मेन्स में तो काफ़ी कम टाइम का टाइम दे रहे हैं कि अभी आप तीन दिन में चार दिन में जल्दी से रजिस्टर कर दो पर ये चीज़ नीट के साथ पॉसिबल नहीं है क्योंकि नीट के फॉर्म फिल नहीं हुए जब पंद्रह सोलह लाख बच्चे नीट का फॉर्म भरेंगे तो उसको कम से कम पंद्रह दिन तो लगेंगे है ना अब करेक्शन विंडो देते हैं नहीं देते हैं दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग पर फर्स्ट ऑगस्ट को एग्जाम नहीं हो सकता है और अगर हम आज का देखें और आज इस न्यूज़ को देखें तो इससे तो और पोस्टपोन होने के चांसेस बढ़ ही जाते हैं तो इट इज़ ऑलमोस्ट श्योर कि फर्स्ट ऑगस्ट को तो न, नीट नहीं होना है बहुत जल्दी कुछ करते हैं फिर भी नहीं पॉसिबल है क्योंकि सात तारीख तो आज ही हो गई है नीट इज़ पॉसिबल इन दी लास्ट वीक ऑफ ऑगस्त और सेप्टेंबर ये दो वीक में अपनी नीट पॉसिबल है पर ये चीज़ भी किस पर डिपेंड करेगी ये चीज़ भी डिपेंड करेगी कि आपका कोविड का थर्ड वेव का क्या सीन रहेगा उस टाइम का ठीक है एंड ऐसा होगा कि अभी अगस्त में जो बच्चे सी बी एस ट्वेल्थ बोर्ड के हैं और वो अपने रिजल्ट से सैटिस्फाइड नहीं है आप लोगों को पता है ना कि सी बी एस ट्वेल्थ की जो एग्ज़ाम्स थी उनका जो इवेलेशन है वो प्रीवियस कुछ सालों के परफॉर्मेंस के बेस पे है अब कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा जिसका एलेवंथ में परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था और ट्वेल्थ में वो मार्क्स इंप्रूव करना चाहता है हमारे उसके पुराने मार्क्स के बेसिस पे वो ट्वेल्थ का रिजल्ट नहीं बनवाना चाहता है तो अभी एजुकेशन मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले लाइव आकर बोला था कि वो री अपियर कर सकता है फॉर दी एग्ज़ामिनेशंस तो अभी अगस्त में ये पूरा एग्ज़ाम का जो री अपियरिंग फेस है ये चलेगा तो एक साथ इतनी सारी चीज़ें एनी वे इट इज़ नॉट पॉसिबल है ना क्योंकि मेन्स भी अपनी ऑगस्त सेकेंड अगस्त तक तो चली रही है फिर उसके बाद ये करेक्शन वाली चीज़ होगा देखो बेटा ए, और, कोई बच्चा बोल रहा है अक्टूबर में होगा इतना ज़्यादा क्यों पोस्टपोन करना है नीट टाइम पे दो बेटा जितना पोस्टपोन करना का भी कोई सेंस नहीं है हमें क्या करना है हमें अभी इतना पक्का है कि फर्स्ट अगस्त को नहीं होगा है ना दिस इज़ वेरी श्योर दैट फर्स्ट अगस्त को नहीं होगा आज शाम को सात बजे तक पता चली जाएगा कौन न्यू एजुकेशन मिनिस्टर है देन वो एन कमेटी के साथ बैठेंगे और अपने नए अनाउंसमेंट्स देंगे तो अगस्त फर्स्ट अगस्त को नहीं होगा अगस्त के एंड में हो सकता है डेफिनेटली सेप्टेम्बर के स्टार्टिंग में हो सकता है जैसे भी कोई फर्दर uh, अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगी ठीक है तो ये आपको मैं डेफिनेटली बता दू हाँ थर्ड वेव आएगी बेटा मोस्ट प्रोबेबली सेप्टेम्बर में आएगी तो ये ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास कि या तो एक uh, या तो पहले ले लें थर्ड वेव के या तो बाद में ले लें तो मेंस का तो डिसाइड कराए कि थर्ड वेव के पहले ले रहे हैं पर आपका नीट थर्ड वेव के पहले लेना मतलब अगस्त में पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेवेंटीन लैक एस्पायरेंट्स होंगे इस बार हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली उन सभी का फॉर्म बना भरवाना और ये सारी चीजें फिक्स करना कि कब होगी एग्जाम क्या सेंटर्स होंगे दिस विल बिकम लिटिल डिफिकल्ट तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एक बार मैं इसको इंग्लिश में रिपीट करूंगी फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स जो इंग्लिश वाले हैं और हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं कैन आई एज आई कैन सी इन दी कमेंट बॉक्स So, beta, the news is that our education minister, Mr. Ramesh Pokhriyal, has drafted a resignation letter today to our prime minister, Modi ji. He has drafted this letter and he is going to resign today. If he resigns, someone new will be taking his place in the uh, union ministry cabinet. And the new minister, along with NTA, is going to fix the date of the need. Hana, he nahi fix karne vale. Ramesh ji is not going to fix the date of the need. एंड नीट इज़ गोइंग टू बी पोस्टप दैट इज़ मतलब फर्स्ट ऑगस्ट को नीट वॉन्ट टेक प्लेस नीट फर्स्ट ऑगस्ट को नहीं होगा तब होगा तो ये अगस्त एंड में या सेप्टेम्बर स्टार्टिंग में होना है नो वॉट आर यू सपोज टू डू आपने एक वीडियो देख लिया है मैंने आपको इनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दे दी है यू आर नॉट सपोज टू वेस्ट टाइम कि आप अब बहुत सारी आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं हर जगह यही बात बोली है जो मैंने अभी आपको बोली है क्या बात बोली है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है उनकी तबीयत खराब रहती थी ही वॉज हैविंग सम पोस्ट कोविड कॉम्प्लीकेशंस और अब एन टी ए नीट की डेट होगी वो कोई और डिसाइड करेगा एन टी ए के साथ मिलकर इन्होंने क्या क्या डिसाइड कर दिया था इन्होंने जेई मेन्स -E की डेट डिसाइड कर दी थी उसको ज्यादा पोस्टपोन नहीं करा था इन्होंने सी बी एस ई का मार्किंग क्राइटेरिया नेक्स्ट सेशन के लिए डिसाइड कर दिया था और इस सेशन वालों को बोल दिया कि आप फिर से रीअपियर कर सकते हैं दिस इज द समरी ऑफ द होल सेशन फॉर द डे ठीक है अब जो नीट की बात आती है नीट की बात ये आती है कि फर्स्ट ऑगस्ट को इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट नीट क्योंकि इतने जल्दी फॉर्म भरना करेक्शन विंडो ओपन करना और पिछले सालों का ट्रेंड देखा है कि इतनी जल्दी चीजें पॉसिबल नहीं होती है एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट करना एडमिट कार्ड रिलीज करना इसीलिए अगस्त एंड में हो सकती है नीट या फिर सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक में होगी पर ये चीज़ें भी कोविड की थर्ड वेव पर डिपेंड करेगी ठीक है दिस इज ऑल आई हैड टू से अबाउट दिस तो बिल्कुल भी आप ज़्यादा परेशान मत होइए ठीक है चीज़ें होती रहती हैं आपके सेक्शन में थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं नो प्रॉब्लम कोई बात नहीं है जो बच्चा टेंशन करेगा कि नीट की डेट क्या होगी क्या होगी पढ़ नहीं पाएगा आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी आपको सारी चीज़ें बता दिए आप पढ़ाई पे ध्यान दो बहुत फोकसड होके बहुत अटेंटिव होकर अपनी पढ़ाई करो आप लोगों को अगर बायो में कुछ हेल्प चाहिए तो आई एम देयर फॉर यू जितने भी नीट ट्वेंटी के एस्पायरेंट्स हैं ऑल दी एस्पायरेंट्स ऑफ 21, आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट ओ क्लॉक डेली एट पी एम इन इवनिंग हम फुल सिलेबस मॉक करते हैं दैट मीन्स हम 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के डेली प्रैक्टिस करते हैं विच आर एग्जैक्टली बेस्ड ऑन द नीट पैटर्न जो नीट पैटर्न में होते हैं अब जब तक नीट की डेट आती है और जब तक नीट होती है इफ यू कीप ऑन सोलविंग दिस क्वेश्चन रेगुलरली विथ मी एट एट पी एम शार्प डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत ज्यादा बूस्टअप होगा ठीक है हाँ बेटा नीट का पेपर बता दो ना बच्चे पीपल आर सेइंग नीट का पेपर बता दो उन्हीं क्वेश्चंस में से आपका मैक्सिमम नीट का बायोलॉजी पोर्शन कवर हो जाएगा दिस आई कैन से फॉर श्योर क्योंकि जो बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है नीट के द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के वो डेली हम रात को एट पी एम सॉल्व करते हैं तो डेली आ जाइए रात को एट पी एम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विथ मी एंड डोंट वरी अबाउट दी डेट्स डोंट हैव लाइक एनजाइटी अटैक इतना पैनिक मत करो जो भी डेट होगी आई एम गोइंग टू टेल यू डोंट वेस्ट योर टाइम हियर एंड देयर ठीक है ये समराइज कर दिया है ताकि आप लोग परेशान ना हो ना बहुत सारे मैसेजेस आने लगे थे चलिए ओके गाइज बाय बाय टेक केयर वी विल मीट एट एट पी एम शार